દેશમાં કોરોના સંક્રમણ દિવસે દિવસે વધી રહ્યું છે ત્યારે સરકારે તેને નાથવા માટે ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે। સરકાર દ્વારા દરેક વ્યક્તિને ફરજિયાત માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવા માટે સૂચન કરવામાં આવ્યું છે। ત્યારે શું છે ગ્રાઉન્ડ પરની પરિસ્થિતિ આવો જાણીએ। के मामले लोगों को लगातार डरा रहे हैं और सरकार की चिंता भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों और सरकार दोनों की चिंता इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मान रहे हैं। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में मैं मौजूद हूँ। मेरे ठीक पीछे ये मेट्रो स्टेशन है श्याम पार्क का, लेकिन यहाँ पर भी हमें जहाँ तहाँ ऐसे लोग नजर आ जाते हैं जो कोरोना प्रोटोकॉल नहीं मानते, मास्क नहीं लगाते। आप देखिए मेट्रो स्टेशन के बाहर ये शख्स नजर आ रहा है जिसने मास्क नहीं लगाया हुआ है। एक और आपको युवती यहाँ पर नजर आ रही है, हालांकि ये देखते ही देखते उस युवती ने मास्क लगा लिया। तो कुल मिलाकर हमारा मकसद किसी की जो गलती है वो उजागर करना नहीं है, लेकिन इस बात को दिखाना, दर्शाना और जागरूकता फैलाना जरूरी है कि आप जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो क्यों नहीं मान रहे। जब सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने के लिए कहा गया है तो इस तरह की तस्वीर अभी भी क्यों लगातार रोड पर, खासकर मेट्रो स्टेशन के आसपास नजर आ रही है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, मैम ये बताइए मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर मैम मेरी बेटी जा रही थी, उसको देने के लिए आई थी मेट्रो कार्ड, तो जल्दी में नीचे से ही आ गई थी। लेकिन थोड़ा सार्वजनिक जगह पर ख्याल रखना चाहिए ना। जी जी आगे से रखेंगे? नहीं बिल्कुल, मैं हमेशा ही रखती हूँ। अभी अभी बस मैं नीचे से ही पकड़ाने के लिए आई थी कार्ड मेट्रो कार्ड। चलिए उन्होंने अपनी गलती हालांकि मान ली, लेकिन उनका कहना है कि आगे से जरूर वो लगाएंगी। एक रिक्शा चालक यहाँ पर है, सर मास्क क्यों नहीं लगाया? देखिए मास्क सबके लिए जरूरी है। मास्क अभी उतारा है, अभी मैंने खाना खाने गया था। हालांकि देखिए ये सब चीजें लोग कहते हैं, इसे बहाने के तौर पर भी हम लोग देख सकते हैं कि आपने नहीं लगाया, लेकिन आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां बहुत भीड़ है, तो कोरोना प्रोटोकॉल को मानना चाहिए ना। नहीं मैं जब जहाँ जो वहाँ में लगाते हैं, वैसे भी नहीं। देखिए हम सार्वजनिक जगह पर, यहाँ जरूरत है, आगे से लगाएंगे आप? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर लोगों का क्या कहना है वो आप सुन सकते हैं। और जैसे ही लोग कैमरा देखते हैं वो इस तरह से देखिए सामने जो है, इस तरह से जो लोग हैं वो भागना शुरू कर देते हैं। एक स्टूडेंट है, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। कौन सी क्लास में? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में मास्क लगाना जरूरी है, आपको पता है मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा रहा था, अभी यहीं से आया था, पास से अभी लगाऊं। पास, ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ तो लगाना बहुत जरूरी है, फिर क्यों नहीं लगाया? अभी ऑटो से उतरा हूँ, अभी हटाया, पैसे दिए थे ना इस वजह से हटा। अच्छा आगे लगाएंगे? हाँ हाँ, तो आगे लगाएंगे, लगा लीजिए। मेट्रो स्टेशन में जाने से पहले हम इनको यही कहेंगे, कुल मिलाकर फिर मैं यही कहूंगा कि हमारा मकसद गलती उजागर करना नहीं है। सामने देखिए, उधर दिखाऊं, वो साहिबाबाद थाना है मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने, और क्योंकि मास्क ना पहनने पर जुर्माना भी है। लेकिन आप तस्वीर देखिए, ये शख्स देखिए सामने, बिल्कुल थाने के सामने से ये शख्स आ रहा है और इसने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। अब इनसे जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो कौन मनवाएगा, सवाल ये बहुत बड़ा है। आप देखिए मैं इधर अगर दिखाने की भी कोशिश करूँ, थाने से ठीक इधर के सामने, जैसे ही हम कैमरा पैन करते हैं वैसे ही लोग जो हैं वो इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं, कुल मिलाकर चेहरा छुपाना शुरू कर देते हैं। तो हमारा कहना यही है कि अगर आप चेहरा कैमरे को देखकर छुपा रहे हैं या किसी एजेंसी को, पुलिस को देखकर छुपा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप कर्तव्य पालन कीजिए, क्यों नहीं आप मास्क लगाइए। मास्क लगाना इस समय वैसे भी प्रोटोकॉल के तहत ज़रूरी है, लेकिन जाहिर है मास्क लगाने से आपको जो प्रदूषण है उससे भी राहत मिलती है। कुल मिलाकर हमने ये रियलिटी चेक किया जिसमें आज फिर से ये सामने आया कि देश में भले ही कोरोना चिंता बढ़ा रहा हो, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो सरकार और अपने आसपास के लोगों की चिंता इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो लॉकडाउन और कोरोना के खतरे को भी लगातार दावत दे रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़।